आज ये परिवार भी जाएगा और इन जैसे लोगों के हाथ से लाहौर भी चला जाएगा। अमृत के साथ हम क्या करने वाले हैं उसे बता के हमारे मंसूबों पर पानी फेरना चाहती थी तू। हालांकि फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी वही करते जो हम करने वाले थे। बर्बाद तो उसे होना ही है, तू भी बर्बाद होना चाहती है। तुम लाहौर की औरतें और तू तो उड़ना भी जानती है। हमें उड़ती चिड़िया को गुलेल से मारने में बहुत मजा आता है। सुन, जितना प्यार तेरे पुत्र जी ने हमारी बीवी से किया था ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार हम उसकी बहन को देंगे, तभी तो ये हिसाब चुकता होगा। हाथ भी नहीं लगाने दूंगी मैं अमृत को। अच्छा मैंने छोड़ना नहीं है किसी को। हाथ नहीं लगाना अमृत, तू उड़ना खत्म किया तो फड़फड़ाना शुरू कर दिया, ये गर्मी किसी और को दिखाना, नहीं तो हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगा, समझी? छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। चलो मैं भी देखता हूँ कैसे होती है समृद्ध की शादी। पता नहीं बाऊजी, आज सब इतना अजीब क्यों हो रहा है। आज मुझे लगा कि मैंने राधा चाची को देखा, पर फिर वो मुझे दिखी ही नहीं, और फिर ये लाहौर की मिट्टी मेरे हाथ से फिसल गई और जमीन पर बिखर गई। बार बार समेटने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरे हाथ से छूटती जा रही है। पता नहीं बाऊजी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है अपने लाहौर में। भाईजान, लाहौर में दंगे शुरू हो गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अबरार भाईजान, चलिए आपके घर से हमें कुछ उठाना है। चलिए। तूने रामचरितमानस पढ़ लिया बेटा? जी। इसको पढ़ने से ना मन को शांति मिलती है और दिमाग की सारे परेशानियां दूर हो जाती है। और हाँ, तू लाहौर की मिट्टी को लेके दुखी ना हो, पर ये मिट्टी तो हमारे राग राग में समाई हुई है और फिर तू हमेशा के लिए थोड़ी जा रही है। जब तेरा दिल करे तू आ जाना, जब भी तू आएगी ना, ये हवेली, ये रास्ते, तेरे बाऊ जी हमेशा बाएं फैला के तेरा इंतजार करेंगे। अरे मेरा बच्चा। अच्छा तू उन्हें काम कर, जल्दी से ना तैयार हो जा, तेरे ब्याह में ना कुछ घंटे ही रह गए हैं, मैं चलता हूँ बेटा। भाऊजी, कहते हैं कि विदा करने से पहले हर बाप अपनी बेटी को मुंह मांगा तोहफा देता है, आप मैनु मेरा तोहफा नहीं देंगे? क्यों नहीं दूंगा, मांग ले जो मांगना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिन्होंने पहली बार मुझे घोड़ा गाड़ी की सवारी कराई, क्या आज वो अपने हाथों से मुझे डोली में विदा नहीं करेंगे? ये तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं आप? ज़्यादा ये शेरवानी याद है, लाले और मैंने अमृत के ब्याह के लिए बनवाए थे, तब वो कहता था कि ये रंग उस पे ज्यादा खिलेगा, और देखो मुझ पे ज्यादा जच रहा है, लग रहा हूं ना बेटी के बाप जैसा, चलता हूं। रुकिए, आपको याद नहीं है कैसे आपके दोस्त ने आपकी बेइज्जती करके घर से निकाला था?
अगर उनके मन में हमारे लिए ये जगह है तो हमें भी उनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। पर से शादी का बुलावा भी नहीं भेजा हमें। उनके हमारे ये फर्क तुम्हारे अंदर कब से आया ज़ायदा? माना कि हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एक बाप को अपनी बेटी के ब्याह के लिए बुलावे का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। मैं अपने शौहर की इज्जत का जनाजा निकलते हुए नहीं देख सकती। आप बस निकालिए शेरवानी। पर मैंने तो आज तक यही सुना था कि दोस्तों के यहाँ जाने से इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। आइए अब्बा जान। वशमा, वशमा, तू सच ही कहता था कि ये रंग तेरे पे ज्यादा जचता है। मैं तुझे अमृत के ब्याह का निमंत्रण देने ही आ रहा था। डॉक्टर कह तो ऐसा रहा है जैसे तेरे बिन बुलाए मैं अपनी बेटी के ब्याह में नहीं आता। तू तो पहले से ही अकलमंद है, पर मुझे अकल देने वाली ये अमृत, इसके कहे पे ही मैं तेरे पास आ रहा था। ओए, तू चल और बता मैं तेरे ब्याह में कौन सी चूड़ियां पहनूं। चाहती हूँ। अबरा, मुझे गोडाउन जाना है, अमृत के ब्याह के लिए मटके चाहिए वहां से। नहीं नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। ओए क्या हुआ? तू जा वशमा, मैं आती हूँ, जल्दी आना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं चले जाता हूँ, मैं ले आता हूँ मटके। ठीक है। डॉक्टर, ये अब्रार भाईजान इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? ओहो, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन और हमसे दूर रह लो, उसके बाद तो हमारी हो जाना है तुम्हें। लगता है एक झापड़ से पेट नहीं भरा है आपका। हाँ, हम तो जन्मों के भूखे हैं, एक और मारिए ना। अपनी हद में रहिए। मानना पड़ेगा, लाला जी की हवेली के सारे बच्चों का खून बहुत गर्म है, जल्द ही तुम सबकी ये सारी अकड़ टूटेगी। अमृत, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है? इसकी बातों से तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ओए तो चल ना, क्या करी यहाँ पे, चल। कैसे बताओ अमृत को फारूक के मंसूबों के बारे में? चल चल जल्दी। ये फारूक क्या बोल रहा था वशमा, तुझे कुछ समझ आया? तू उस घटिया इंसान के बारे में मत सोच। ये बता मैं कौन सी चूड़ियां पहनूं? ये वाली कि ये वाली? हाँ, तू चूड़ियां पसंद कर, मैं सलवार कमीज लेके आती। फारूक में वो तो अच्छा हुआ कि मैं अब्बा जान को रोक लिया, अगर वो गोदाम में पहुंच जाते हमारा भांडा फूट जाता। अच्छा किया हमारे पास वक्त कम है, हथियार निकालिए। जी।
हथियार यहाँ अब्रार भाईजान के घर पर? कहीं इसका लेना देना गोडाउन से तो नहीं? क्या हुआ वशमा? वशमा मुझे अपना बुरखा ला कर दे। पर क्यों वशमा? वक्त नहीं है, मुझे जल्दी अपना बुरखा ला कर दे। ठीक है लाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जनाब, पता होता कि दूल्हे बनने पे चेहरे पे इतनी रौनक आ जाती है तो मैं तो बहुत पहले दूल्हा बन जाता। शर्फू मियां, दूल्हा बनने के लिए ना एक दुल्हन भी चाहिए होती है। हाँ? जो फिलहाल आपके नसीब में तो नहीं है अभी। हाँ? जनाब मैं अभी आता। अमृत, अब्दुल, अमरू को कहीं देखा? नहीं जी। अच्छा उदय, अमरू कहीं दिखाई दी? नहीं ताई जी, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चली गई है, उसे तैयार भी होना है, उससे पहले शगुन की हल्दी भी लगनी है, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गई। नहीं ताई जी, बड़ा ही शुभ दिन है, मैं देख कर आता हूँ, यही कही होगी, फिक्र मत, मैं देख कर आता। अपना हक, अपना मुल्क हम लेकर रहेंगे। राधा जी, चाची आप यहाँ कैसे आए? ये सब कैसे हुआ? चाची कुछ बोलिए, ये किसने किया है? ये लीजिए, पानी पीजिए। राधा जी आप ये बताइए कि आपको हथियारों के बारे में कुछ पता है? जी बोलिए राधा जी। चाची हमारा वतन जल रहा है और वो लाला हमारी नाक के नीचे जश्न मना रहा है। हम यहाँ वतन को बचाने के लिए सड़कों की खाक छान रहे हैं और वो मसाले का व्यापारी अपनी बेटी के शादी की खुशियाँ मना रहा है। क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। हल्ला मचाने से नहीं, तलवार उठाने से कुछ होगा। ये तलवारें सूखी नहीं जानी चाहिए, खून चाहिए इन्हें। क्या हम खून बहाएंगे? शादी नहीं होगी, नहीं आने देंगे शादी, शादी नहीं होगी। चलो। राजरानी। हाँ जी। अमृत तैयार हो गई? हो जी, बस थोड़ी देर में हो ही जाएगी त्यार। मुझे जरा छेती तैयार हो गई। आहो जी। ये लड़का बगैर बताए कहाँ चला गया? बाप, क्या हुआ राय साहब? उदय अभी ये सब वक्त नहीं है समझाने का, तुम एक काम करो, तुम इनको संभाल के अंदर लेके जाओ। नहीं 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 नहीं, यहाँ से नहीं, अंदर मेहमान है और लोग भी हैं, पीछे वाले दरवाजे से चल। ठीक है, पीछे के रास्ते से लेके जाओ, संभाल के। आप भी ध्यान से। मैं आ रहा हूँ। अमृत आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैंने पुलिस में खबर कर दी है और अबरार और फारूक के इरादों के बारे में उनको बता भी दिया। इस बात पे एक अमृत वाली मुस्कुराहट तो बनती। अरे आज शादी है हमारी। शादी का समय हो गया, ये अमृत है कहाँ? जी बाबूजी।
छेती आ जा। जी। छनकार सुन रही है इनकी, तुसी इतना खुश कैसे हो सकते हो बीजी? क्योंकि उनकी खुशियों वाली हवेली आज तेरी बीजी के नाम हो जाएगी। कुछ घंटों में देखना राजी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से दफा हो जाएंगे। उसके बाद ये कोठी मेरी हो जानी है। तो माँ बेटी राज करेंगे राज। ओए रब रब रब। आज उस ओम निवास में लाला की बेटी का ब्याह किसी हालत में नहीं होने देना है। कराची जाके लाहौर वालों को भूल मत जाना। पता नहीं राधा चाची क्या बताना चाह रही थी। उस लड़की के परिवार को आज उनकी औकात दिखाकर रहेंगे हम। चला दो सारी दुकानों को। भाईजान वो राधा कहीं भाग गई। क्या अमृत और उसके परिवार को पता चलेगा कि हमसे दुश्मनी मोल लेने का नतीजा क्या होता है। बिल्कुल सही कहा फारूक मियां। बाकी के फेरों के लिए दुल्हन आप आगे आइए।
ये क्या कह रही हैं आप? शर्फोबिया, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.